दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि सलमान अंसारी की गिरफ्तारी हुई एक वीडियो क्लिप के आधार पर। हेट स्पीच के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया। एक तरफ उनको बेल होता है, दूसरी तरफ उनके ऊपर फिर से FIR हो जाता है। ये मामला आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। हेट स्पीच के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन क्या ये सब जो किया जा रहा है, एक समुदाय के जो मुक्ति है उनका पुतला जलाया जा रहा है और उनको पाकिस्तानी बताया जा रहा है। अब इसको लेकर सवाल जो है वो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन लोगों के गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं। मैं सबसे पहले आपको ये पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए किस तरीके से कुछ हिंदू संगठन है जो इनका पुतला जलाया रहे हैं और उसके बाद कुछ ऐसे नारे लगा रहे हैं जो कि सही नहीं है। आप पहले इस वीडियो को देखिए। पाकिस्तानी मूल्यों से पाकिस्तानी पैसा लेने हिंदुस्तान का हिंदू नेता थोड़ा आवेगा हम इसे जोड़े पाकिस्तान का राजा मुक्ति दे वाला थे तो पार्टी में चला वाला थे। वीडियो देख लिया आपने, वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है जिसको लेकर लगातार कार्रवाई करने की बात की जा रही है इस संगठन के ऊपर। आपको बता दूं, उवैद मौजम है एक यूजर जो इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं, भगवा वस्त्र पहने मस्जिद के सामने नाचने वाले फर्जी हिंदुओं में मुफ्ती सलमान अंसारी साहब पुतला बनाकर अपशब्द बोला, क्या इनके ऊपर कार्रवाई की उम्मीद है। ये उवैद मौजम है जो इस वीडियो को ट्वीट करते हैं। हमीद रजा वो लिखते हैं, हिंदुत्व संगठन द्वारा हमारे उलमा मुफ्ती सलमान अंसारी का इस तरह पुतला बनाकर पाकिस्तानी मुल्ला और भी कई नारे लगाना, क्या ये काबिले बर्दाश्त है। गुजरात पुलिस क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी या गुजरात पुलिस भाजपा के हुक्म पर चलती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं INDIA स्टोरी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है जिसको लेकर गुजरात पुलिस को टैग किया गया है और उसके बाद इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन मुफ्ती सलमान अंसारी के गिरफ्तारी के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि हेट स्पीच के मामले में मुफ्ती सलमान अंसारी को गिरफ्तार किया गया जिसके बाद बहुत सारे हेट स्पीच आए, लेकिन क्या आपने सुना कि किसी की गिरफ्तारी हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। फिलहाल मुफ्ती सलमान अंसारी की गिरफ्तारी और उसके बाद जो ऐसे तमाम वीडियो आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।